दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पेनी स्टॉक को कवर करने वाले हैं जो शुगर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। साथ ही अगर हम किसी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें इसके वैल्यूएशंस को जरूर से देखना चाहिए एंड वैल्यूएशंस वाइज ये स्टॉक आज बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस पर मिल रहा है। साथ ही इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है जिसकी वजह से ये स्टॉक आगे चलकर बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों जिस स्टॉक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो शुगर इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और इस कंपनी का नाम पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड है जिसको साल 1994 में एस्टेब्लिश किया गया था। और आज के समय कंपनी के पास 168 एकर्स के लैंड में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। कंपनी ने अपने ऑपरेशन को 1996-1997 में स्टार्ट किए थे और शुरुआत में यह कंपनी सबसे पहले व्हाइट क्रिस्टल शुगर के अंदर काम करती थी जिसमें कंपनी के अंदर लगभग 2500 TCD की कैपेसिटी थी। साथ ही कंपनी के पास कई सारी इनहाउस फैसिलिटीज भी हैं जिसके अंदर कंपनी ने अपना खुद का एक 6 MW का पावर जनरेशन यूनिट भी सेटअप किया। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो करनाल के अंदर आती हैं जो कि हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है। करंटली पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड लगभग 38.50 रुपए पर ट्रेड कर रही है। पिछले एक साल में इस स्टॉक ने लगभग 90% के रिटर्न दिए हैं एंड पिछले 5 साल की बात की जाए तो 238% के शानदार रिटर्न इस स्टॉक ने दिए हैं। और अब ऑल टाइम रिटर्न्स को भी देखा जाए तो पिछले 20 साल में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 15,480% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। तो रिटर्न्स वाइज ये स्टॉक काफी ज्यादा शानदार है। तो चलिए एक बार इसके फाइनेंशियल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर कंपनी की सेल्स को देखिए जो पिछले 5 साल में 334 करोड़ से बढ़कर करंटली 552 करोड़ हो चुकी है। इसी तरह हम इसके नेट प्रॉफिट को भी देखें तो ये 2 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ तक पहुँच गया है। यानी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पिछले 5 साल में 12 गुना तक जंप कर चुका है। इसके अलावा अर्निंग पर शेयर को भी देखें तो 23 पैसे से बढ़कर करंटली 2.58 रुपए हो चुका है। कहने का मतलब है कि दोस्तों कंपनी का जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है वो बहुत ही शानदार तरीके से आसमान की ओर बढ़ रहा है। नेक्स्ट अब हम कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड को भी चेक करें तो ये कंपनी अभी काफी ज्यादा छोटी है। लगभग 364 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और ये कंपनी पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आती है। करंटली ये स्टॉक 38.6 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो बुक वैल्यू है वो 21.9 रुपीज है एंड अपने बुक वैल्यू से अभी ये स्टॉक हाफ प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। और कंपनी के वैल्यूएशंस भी काफी ज्यादा सस्ते हैं। इसका जो स्टॉक पीई है वो मात्र 14.9 है और इसका जो इंडस्ट्री पीई है वो 30 है एंड इंट्रिंसिक वैल्यू को देखें तो 35.8 रुपीज है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.3% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.9% है। तो दोस्तों दोनों ही रेशियोज काफी ज्यादा शानदार है एंड अब कंपनी के ऊपर कर्ज की बात की जाए तो इसका डेट टू इक्विटी बिलो 1 है जो कि 0.65 है। टोटल कर्ज को भी देखें तो 135 करोड़ है। इसके अलावा कंपनी प्रॉफिटेबल है और इस साल कंपनी ने लगभग 24.4 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया एंड कंपनी के पास 112 करोड़ के टोटल रिजर्व्स हैं। और शेयर प्लेसिंग परसेंटेज को देखें तो ये भी 0% है। एक चीज जिसमें हमें यहाँ पर कमी देखने को मिलती है वो है इसका नेट कैश फ्लो जो कि नेगेटिव में है। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड पे करती है, 0.26% इसका डिविडेंड यील्ड है। फाइनली कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक करें तो प्रमोटर्स के पास लगभग 71% की होल्डिंग्स है। यानी प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। पिछले 5 क्वार्टर्स से प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा सा भी डाइल्यूट नहीं किया बल्कि अपने स्टेक को बढ़ाया है जो कि मुझे यहाँ पर पॉजिटिव साइन नजर आता है। इसके अलावा पब्लिक होल्डिंग्स को भी देखा जाए तो वो भी बढ़ रही हैं, 27% से बढ़कर करंटली 29.03% हो चुकी है। बाकी FIIs और DIIs के पास यहाँ पर किसी भी तरह का स्टेक नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पिकेडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड शेयर का डिटेल एनालिसिस किया जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल और टेक्निकल्स में काफी ज्यादा शानदार है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।